मागुर पानी और दर्शन काफी उत्सुकता और दो अंक बदल चुके हैं जो राजपूत दादा पति वर्षी में भी राजपूत का रिजल्ट 160 रेट कर चुके हैं। वाकई उनका हौसला बुलंद होगा। जिस तरह की शुरुआत अभी तक अंक नहीं गिना है नागुर पानी को और केवल चार ही खिलाड़ी मैदान एक अंक प्राप्त करते हैं जो राजपूत टॉस नहीं कर रहा अभी मैं उसके बाद एक बार घुमाया दो दंपति जैसे में बाबू पार्टी का अंकोटी जो क्लास है उसे बेहतर प्रयास करने की कोशिश बाबू पानी अभी खाता नहीं खुला है तो थोड़ी सी मेहनत करना जरूरी होगा क्योंकि वो चार अंक बदल चुके हैं कि राजपूत और मेरा समय लेती हूँ राजपूत का हृदय इस तरह से राजपूत काफी और का तार एक गया था इसीलिए अंपायर ने दोनों तरफ एक एक अंक दिए और छाता खुला मांगुर पानी का एक अंक और पांच अंक सदा गिरराज दो नंबर का ग्रीन कार्ड मिल चुका है खिलाड़ी भावना से खेले दो नंबर जैसे को ग्रीन कार्ड मिल चुका है और यहाँ पर सुपर टिकल ऑन है बाबू पानी इस रिटर को अगर पकड़ते हैं तो दो अंक प्राप्त कर सकते हैं पांच एक से सर्विस गिरिराज होता रेड जिस तरह से तुर्कीला सर्विस कहते हैं गिरिराज तुर्कमीडर काफी इस सोच पानी का लगा कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं और सुपर टोटल और भी है दोहरदार यहाँ पर रेडर और डिफेंडर के बीच में यहाँ पर जबरदस्त सुपर टोटल जिस तरह से दो ही तरह से जबरदस्त सुपर टोटल
वापसी करते हुए 3 अंक जो अंत का जो फैसला था मैं बता दू दरिया पानी में हुए तो लोग फाइनल पे टकराए थे और बाबुल पानी उसे प्राप्त करके फाइनल लाए थे उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर उनका अग्रसित खेल का प्रदर्शन करती हुई हार का बदला लेने की भरपूर प्रयास दिलास होगा और फुल ग्राउंड है बाबुल पानी के तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर होगा क्योंकि वो भी प्लेयर अपने हेड ग्राउंड पर खेलता है तो उनका फैसला पूरा रहता है 2000 बाबुल पानी की ओर से 7 नंबर की जर्सी और यहाँ पर जिस तरह से टोटल करने की प्रयास और सक्सेसफुल रेट 1 अंक प्राप्त करते हुए बाबुल पानी मध्यांतर के बाद इसको इस प्रकार बागुरपानी 4 और गिरिराजपुर 5 एक अंक से पिछड़े हुए हैं अभी तक आने वाला समय है यहाँ पर किसी की भी बल्ला भारी हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जानते हैं अगला मुकाबला हुआ सेकंड सेमीफाइनल मध्यांतर के बाद बिना फिर एक बार 7 नंबर की जर्सी में जीतू जो कि बाबुल पानी का जो मेन लीडर प्रमुख लीडर इनके पास एक सर्वेश्वर का जो सदगुरु सत्य और उसके बाद गिरिराजपुर 5 4 से 27 अगर इस गेम में वापसी करना है तो इस रेडर को रोकना होगा अंकों के लिए क्योंकि वो एक ही ऐसा रेडर है वन मैन आर्मी की तरह खेलते हैं गिरिराज को तो जितना भी हमने इस टूर्नामेंट में जितना भी उनका मैच देखा काफी लाजवाब उनका प्रदर्शन देखते हुए और 4 ही खिलाड़ी है पर उसका कोई रोल नहीं इसमें तो अंदर जाना होगा यहाँ पर टच करने का जो दावा और सही हासिल होता हुआ खिलाड़ी बाबुल पानी का वाकई लाजवाब किक देखने के लिए मिला था गिरिराजपुर का जो प्लेयर है वाकई काफी फुर्तीला इधर आ रहा है 9 नंबर की जर्सी में जिस तरह का वाकई लाजवाब जैसे ही पीछे किया पीछे से आया डिफेंस बना चुके हैं बाबुल पानी का खिलाड़ी और केवल दो ही खिलाड़ी गिरिराजपुर का यहाँ पर सुपर टिक यहाँ पर पकड़ते हैं तो जो वर्ग प्राप्त कर सकते हैं गिरिराजपुर और यहाँ पर खिलाड़ी परिवर्तन करते हुए गिरिराजपुर 4 बाहर तो 4 अंदर और तुरंत ही अंदर आए और हाल संभाल चुके हैं यहाँ पर बहुत चहलकदमी करने के प्रयास बिल्कुल ऐसी रेडर उधर का निकले हैं बाबुल पानी का जिस तरह से हर प्रकार का स्किल है उनके पास और बहुत ही चहलकदमी करते हुए और यहाँ पर बहुत प्रयास जिस तरह से
हलचल खलबली मचाए थे दिलराजपुर के मैदान में, तो थोड़ी सी और प्रयास करके तो शायद अंत मिल सकता था, अगर ऐसा सोचा नहीं। रिंकू अच्छी तरह से मालूम है उसे टीम का तमाम सवाल कर जिस तरह से कैसे गेंद को अपनी ओर खींच कर धोनी की ओर अग्रसर करने की और सुपर टोटल और भी है यहाँ पर अगर पकड़ते हैं तो दो अंक मिल सकता है गिरिराजपुर को, और यह सक्सेस होते हैं तो बालू पानी को इतना मिल सकता है। जिस तरह से जीत का जो भोग है उसे फिर वापसी करते हुए गिरिराजपुर एक अंक बटोर कर 6 पर पहुंचा गिरिराजपुर, जबकि 10 पर पहुंच चुके हैं बालू पानी। और यहां पर ठीक करने की प्रयास भी जो कि उठाना नहीं चाहते हैं, बारह नंबर की गिरिराजपुर का खिलाड़ी जो कि उठाने की कोशिश घुस कर आए थे सीधा दोनों ठाई के और सात नंबर की खिलाड़ी जीतू जो कि कमाल का रेड करके लेना जीत उसका जो मेज उम्मीद में पानी फेर दिए थे। आप सभी खिलाड़ियों को बधाई, आप पहले फाइनल जीत चुके हैं।